वही लोग $85 का पर पी आई कॉइन जो है वो सेल आउट हो रहा है पर पी आई कॉइन, मतलब एक पी आई कॉइन इज इक्वल टू $85। उस हिसाब से अगर मेरे पास 1000 पी आई कॉइन है तो भाई मैं तो माला माल होने वाला हूँ। मैं तो बस लोगों के साथ मेरा जीना मरना ख़त्म हो गया है, क्योंकि भाई मैं जो हूँ अब अरबपति बनने वाला हूँ। 1000 और जिनके पास वो 2000 और मतलब के 5000 6000 1 लाख कॉइन्स हैं, अरे उनका तो क्या है, वो तो फिर मुझे भी लिफ्ट नहीं करवाएंगे। आजकल मार्केट में हमारे यहाँ पर पी आई कॉइन की बड़ी गपशप हो रही है। पी आई कॉइन लॉन्च हो चुका है, पहले जो पहले दिन परसों या मेरे ख्याल से 4 दिन पहले $35 का पी आई कॉइन लॉन्च हो चुका है। तो आप अभी KYC करें और इसको बेचें, सेल आउट करें। वो का एक ऐप है, वहाँ पर जाएं। बाइनेंस पे तो खैर आया नहीं है। उसके अलावा फिर बाद में 2 दिन बाद पता चला 50 का हो गया, आज पता चला ये 85 का पहुँच गया। क्या ये सच में $85 का जो हमने फ्री के माइन किए हुए मोबाइल से कॉइन लॉन्च हो गया है? तो यार ऑफिशियली तौर पे तो अभी तक पता नहीं चला है इसका कि वाकई ही शुल्ली जो इन्होंने फेंकी है दोबारा से एक बार, जो आज से 1 साल पहले मारी गई थी कि पी आई कॉइन लॉन्च हो चुका है और लोग धड़ाधड़ अकाउंट बना रहे थे और ये पी आई कॉइन माइन किए जा रहे हैं। मैंने खुद बना लिए थे यार, तकरीबन घर में सब के ही बना लिए थे मैंने। तो बस वो वाला सीन दोबारा से है, क्योंकि पी आई जो था वो दोबारा से लोगों के नज़र पे बैठ चुका था। मुझे लगता है लोग ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे थे, दैट्स द रीज़न दोबारा से पी आई ने बोला चलो भाई अभी हम बजाएगा गेम। तो उन्होंने बजा दी गेम। तो ये पी आई कॉइन बेसिकली बहुत से लोगों को मैंने देखा है एनालाइज किया आज पूरा दिन। कुछ लोग कह रहे हैं कि पी आई कॉइन जो है वो लॉन्च हो चुका है। भाई पी आई कॉइन लॉन्च हुआ है, लेकिन ये वाला पी आई कॉइन जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। ये मोबाइल वाले जो हम माइन कर रहे हैं ना फ्री का, ये वाला लॉन्च नहीं हुआ, वो अलग पी आई कॉइन है। बेसिकली थीम इसकी बिल्कुल एक जैसी है, नाम पी आई कॉइन बिल्कुल सेम है, जो इसका लोगो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वो पी आई कॉइन जो है वो कोई और है। मज़ीद डिटेल में अगर आपने जानना है ना, तो यार ये ट्रेडर्स जो हैं ना जो ट्रेडिंग करते हैं, ये आपको मज़ीद एक कह सकते हो कि डिटेल्ड में आपको समझा सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ। जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया, इनके कुछ वर्डिंग्स होती हैं यार, कुछ इतना इन्वेस्ट करना होगा इसके $1 मिलियन तो तब जाके सस्टेन होगा। क्योंकि अगर पी आई कॉइन लॉन्च होता है और लोग इसको बेचेंगे, लोगों के पास बहुत से कॉइन पड़े हैं, तो उसको सस्टेन करने के लिए बैक एंड पे कितने $1 मिलियन होने चाहिए जो उसको सस्टेन रख सकें। तो ये सारी बायोग्राफी जो होती है, हिस्ट्री जो होती है, इसके बैक एंड पे होती है, जो कि ट्रेडर्स लोग जो हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा मुझसे। जब मैंने अभी तक जो सर्च आउट किया उसके मुताबिक दिस पी आई कॉइन इज़ नॉट अवर मोबाइल पी आई कॉइन। सीरियसली बताऊँ ना, मुझे लगता नहीं है कि यार हमारा ये मोबाइल वाला जो फ्री कॉइन है ये लॉन्च होगा, क्योंकि लोगों के पास मिलियंस ऑफ कॉइन्स पड़े हैं, बिलियंस कर लो इसको, बिलियंस ऑफ फ्री कॉइन्स पड़े हैं। अगर वो $1 का एक भी करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यार वो सस्टेन कर पाएंगे। तो दोस्तों एक और बात, जो कि मैंने ट्रेडर्स को लोग देखा है जो कि उनकी गपशप में एक चीज़ मैंने एनालाइज की है, वो ये होती है कोई भी कॉइन लॉन्च करने से पहले आपको बैक हैंड पे मोस्टली ये जो बड़े कॉइन्स होते हैं इनको लॉन्च करने के लिए आपके पास बैक हैंड पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक भाई तो वो भी कह रहा था कि यार मैं अपना कॉइन भी पता नहीं एक वेबसाइट है या फिर एक कोई इस तरह का ट्रेडिंग वाली कंपनी है उसके साथ रब्ता करूँ, उसे बोलूँ मैंने कॉइन लॉन्च करना है, तो मेरा आप विद इन 7 days to 8 days कॉइन जो है वो लॉन्च कर देंगे, लेकिन सस्टेन करना उसे मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रेडर्स लोग अगेन दोबारा से कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन उनकी गपशप और ये सारी चीज़ें आज पूरा दिन एनालाइज करने के बाद मुझे यही समझ आया कि यार ये वाला पी आई कॉइन लॉन्च होने ही नहीं वाला। यार हो सकता है, हो सकता है आगे चल के हो जाए, लेकिन अगर 4 साल में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ या फिर इससे ज़्यादा का टाइम हो गया, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या टाइम है, लेकिन इतना टाइम पीरियड हो चुका है इसको, अगर अभी भी ये कॉइन लॉन्च नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि आगे चल के इसने लॉन्च भी होना है। तो आगे बाकी आप खुद समझदार हैं। अब KYC पे आते हैं कि लोग दड़ोदड़ KYC करें। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, हमारे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग इसको डेटा ग्रैब करना कहते हैं। लाइक फॉर्म से डेटा ग्रैब होता है, आप ईमेल एड्रेसेस देते हो यार, अगर आपको कोई इशू आ रहा है आप ईमेल हमें कर सकते हैं, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें तो खैर आईडी कार्ड हमारा बैक एंड फ्रंट पे पिक्चर भी जाई जा रही है, ली जा रही है, तो एडिशनल है इसमें तो ईच एंड एवरीथिंग ग्रैब पी आई कॉइन जो है हमारा ले रहा है। मैंने भी खैर ले दिया है, लेट्स सी क्या होता है। अब इस तरह से होता है ना कि डिफरेंट कंपनी जो होती हैं डेटा लेते हैं, आगे डिफरेंट कंपनीज को सेल आउट करते हैं। अब वो जो डेटा सेल आउट करते हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर जो होते हैं वो उनकी वर्थ होती है, और
आप सेल करके दे रहे होते हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक डिफरेंट स्टेट है, इंडिया की केवाईसी होगी डिफरेंट स्टेट से होगी, बांग्लादेश, अमेरिका, यूके, इन सब की केवाईसी अलग अलग कैटेगरीज में नहीं डिवाइड करेंगे वो लोग कि ये ऑडियंस जो है इंडिया की है, ये पाकिस्तान की, ये यूके की है, ये प्रीमियम में आ रहा है, ये यूएसए की है, ये भी प्रीमियम में आ रहा है, इसे मज़ीद और डॉलर्स में, मतलब कि थाउजेंड ऑफ या लाखों डॉलर्स में हम लोग बेचेंगे। पाकिस्तान थोड़ा क्योंकि ज़रा नीचे वाला आता है तो इसे हज़ारों डॉलर्स में बेच देंगे। इंडिया आ रहा है, इंडिया का भी भाई बड़ी बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें भी हम लाखों डॉलर्स का इस डेटा की बात करूँ जो हमने केवाईसी से उन्हें खुद प्रोवाइड किया है वो सेल आउट करेंगे। यार हो सकता है, उम्मीद है कि हम मैं गलत हूँ, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटिंग जितना मैं कह रहा हूँ तो हम लोग इसी तरह से डेटा जो कंपनी से लेते हैं। मैं अपनी बात करूँ, खुद जो जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हम भी इसी तरह से डेटा ग्रैब कर रहे हैं, फॉर्म जो है वो अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो फॉर्म जो फिलअप करते हैं उसमें उनका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर बात वो फिलअप कर देते हैं, ऑप्शनल होता है, और नीचे वजूहात बताते हैं, हम लोग ईमेल ग्रैब करते हैं। और सेम इसी तरह ये लोग बड़ी गेम करते हैं जिस तरह से पीआई वाले कर रहे हैं। तो अभी भाई ज़्यादा हवा में ना उड़ो तो बेहतर है, क्योंकि दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे और बह भी रहे हैं। ये दोबारा से पीआई ने एक शुल्ली छोड़ दी है कि पीआई कॉइन इज़ लॉन्च इन $35 पर कॉइन, और कुछ पाकिस्तान में ना पर कॉइन जो है वो $1 का ले भी रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर के भाई सी जिन्होंने किया उनको तो ट्रांसफर वॉलेट टू वॉलेट कर सकते हैं। अगर $1 का कोई ले रहा है आपको तो मेरा यही मशवरा है भाई, निकाल दो सारे। अगर मुझसे कोई लेता है तो बताओ, मैं भी बेचने को तैयार हूँ पर डॉलर, एक पी आई कॉइन पर डॉलर का। मेरे पास ऑलमोस्ट 800 समथिंग है, तो 800, चलो $800 में फाइनल कर लेंगे जो भी हुआ। तो जिसने ख़रीदने में तो आ जाओ, मैं $1 का जो है आपको एक कॉइन देने को तैयार हूँ। तो अब तो मेरा दोस्त, अगर उसे पता चला तो वो खैर सबसे पहले तो वही मुझे अप्रोच करेगा, कि वो इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा कंसर्न करता है यार इसमें आज ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसा हो जाएगा, घंटा होना है। तो यार ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो, होप सो कि जो मज़ीद आपको टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे गलत गाइड कर रहे हैं कि पी आई कॉइन लॉन्च हो चुका है भाई, अब तो हम मिलियनर बनने वाले हैं, कुछ बोलते हैं भाई बेटा सब्र करो लॉन्च हो गया है, बस मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ। अभी एक भाई की मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था यार आई एम वेरी बिज़ी पर्सन, मैं कभी इधर जा रहा होता हूँ गाड़ी में, कभी वीडियो बना रहा हूँ, कभी उधर वीडियो बना रहा होता हूँ। तो यार मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसकी ना वीडियोज़ मेरे मोबाइल पे ना वैसे ही पता नहीं चलती रहती हैं, आती रहती हैं फॉर यू पे, लोग देख ही जा रहे हैं उससे और उसकी वीडियोज़ मेरे पास आ रही है और मैं उसे देखता हूँ यार ये बोल क्या रहा है। एक हफ्ता पहले उसकी पहली वीडियो मेरे पास आई थी, तो मैं उन भाई सबको देखा है, मैंने बोला मैं भी सीरियस हो गया हूँ यार, सच में लॉन्च होने वाला है। तब मैंने ज़्यादा इसको फोकस में नहीं किया, मैंने बोला चलो अच्छी बात है हो गया तो हमारा भी कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। लेकिन आगे फर्दर रिसर्च करते 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 अब पता चला कि यार ये तो शुल्ली मारी है दोबारा से पी आई ने। ये जो पी आई आज से एक साल पहले लॉन्च किया गया था और उसकी शुल्ली छुड़ी गई ना कि यार पी आई ये वाला लॉन्च होगा, वही पी आई जो है ना अब दोबारा से मार्केट में ट्रेड हो रहा है और वहाँ से लोग जो है उसकी ट्रेडिंग करें। और यहाँ पर मोबाइल वाला हमारा लाचारी वाला कॉइन है पी आई वाला, इसका कोई ऑफिशियल हिस्सा का सीन अभी तक नहीं आया। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई मेरे, अभी सो जाओ, तो मैं भी माइन कर ही जा रहा हूँ, आप भी करी जाओ, जब इन फ्यूचर जब हम दादा बन गए, हमारे पोता पोतियाँ हो गए शायद तब लॉन्च हो जाए, तो मे भी उनका कोई भला हो जाए। हमारी ज़िंदगी में रहते रहते मुझे तो यकीन नहीं है कि ये कॉइन जो है वो लॉन्च होगा, अगर हो गया तो यार कमाल हो जाएगा। तो यार होता है ऐसा कि बाज़ुकात ऐसी बातें बंदा बोल जाता है यूट्यूब पर या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि आगे चल के गलत साबित हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात गलत साबित हो, क्योंकि यार बहुत से लोगों के पास बहुत से हज़ारों कॉइन्स पड़े हैं और वो एड्स पे भी जो है पी आई कॉइन जो है अब आप माइन करते हो तो उनके एड्स चलते हैं, बड़ा ज़्यादा नहीं चलता एड लेकिन चलता ज़रूर है, वो भी कई मिलियन डॉलर्स कमा चुके हैं इससे पहले और आगे भी बनाते रहेंगे जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं इस धरती पे। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।